दोस्तों, जब ये धरती बनी तब कई जीवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें कुछ जीव थे जो तब से लेकर आज तक अपना अस्तित्व कायम किए हुए हैं, पर उनमें से कुछ जीव ऐसे थे जो वक्त के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाए और विलुप्त हो गए। तो आज के इस एपिसोड में हम उन जीवों के बारे में जानेंगे जो कभी धरती पर रहा करते थे पर अब विलुप्त हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं। ये जीव दिखने में बकरी जैसी ही नजर आती थी, क्योंकि यह जीव बकरी की प्रजाति से ही संबंधित थी। ये जंगली बकरी की चार उपप्रजातियों में से एक थी, जो कि इबेरियन प्रायद्वीप में पाई जाती थी। इनकी ऊंचाई लगभग 60 से 76 सेंटीमीटर होती थी और वहीं वजन लगभग 24 से 80 किलोग्राम तक होता था। इनका मुख्य भोजन घास हुआ करता था। अभी के बकरियों के सिंह थोड़े छोटे होते हैं, पर इस जीव के सिंह थोड़े लंबे हुआ करते थे। माना जाता है कि पहले इनकी जनसंख्या 50,000 के करीब हुआ करती थी, जो कि 19वीं सदी में गिरकर 100 पर पहुंच गई थी। इनके विलुप्त होने का सटीक कारण तो पता नहीं चल पाया है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि शिकार और आवास के लिए अन्य स्तनधारियों से प्रतिस्पर्धा इनके विलुप्त होने की प्रमुख वजह बनी। ये प्रजाति दिखने में बिल्कुल मुर्गी जैसी ही दिखती थी और इनके सिर के अगल बगल दोनों ओर एक पंखनुमा संरचना होती थी, साथ ही इनके पीछे की पूंछ उठी हुई होती थी। इनका मुख्य निवास स्थान अमेरिका था, जहां यह रहा करती थी। इस पक्षी की लंबाई 43 सेंटीमीटर और वजन लगभग 900 ग्राम होता था, पर बहुत तेजी से इनका शिकार किया जाने लगा, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई। हीथ हेन पहली पक्षी प्रजातियों में से एक थी जिसे अमेरिकियों ने विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की थी। हालांकि हीथ हेन को बचाने के सभी प्रयास विफल रहे थे और 1932 तक इस पक्षी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। क्वागा दिखने में बिल्कुल जेब्रा जैसा ही दिखाई देता था। इसका मूल निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका माना जाता है। माना जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 257 सेंटीमीटर और लंबाई 125 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। इसके शरीर पर भूरे और सफेद रंग की धारियां मौजूद थीं, जैसा कि जेब्रा में होता है। ये प्रजाति 1878 तक विलुप्त हो चुकी थी और 19वीं सदी तक आते आते ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। इसके विलुप्त होने का कोई सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। यह पक्षी तोते की ही एक प्रजाति थी, जो कि नदियों और दलदली इलाकों में रहा करती थी। इस पक्षी का वजन लगभग 100 ग्राम तक होता था, वहीं लंबाई 12 से 13 इंच होती थी। साथ ही इनके शरीर में 21 से 23 पंख हुआ करते थे, जो दिखने में काफी आकर्षक हुआ करती थी, पर शिकार की वजह से इनकी तादाद घटती चली गई और 1939 में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये पक्षी उत्तरी अमेरिका में रहा करते थे। इनका शरीर छोटा और मजबूत होता था, वहीं इनके पंख छोटे छोटे और पूंछ गोल हुआ करती थी। माना जाता है कि लेब्राडोर बतख हमेशा दुर्लभ ही रहा है, लेकिन 1850 और 1870 के बीच इनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई थी। ये विलुप्त कैसे हुई, इस बारे में ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है। इस पक्षी का विलुप्त होना भी एक रहस्य था, क्योंकि ये पक्षी बड़ी ही तेजी से विलुप्त होते जा रहे थे। 19वीं सदी के अंत तक लेब्राडोर बतख विलुप्त हो चुकी थी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नॉलेज ज्ञान टीवी।